Good morning, my dear students and faculty members who are watching this channel and this video. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia PG College, Churu, affiliated with Maharaja Ganga Singh University of Bikaner. In the lecture series of entomology, today I will deliver my talk on the classification of Diptera. इस लेक्चर के तहत डिप्टेरा क्या है, डिप्टेरा का मीनिंग क्या है, डिप्टेरा के सैलियंट फीचर्स क्या क्या है, इसके कौन कौन से सब ऑर्डर्स हैं, कौन कौन सी फैमिलीज हैं और इम्पोर्टेंट एग्जांपल कौन कौन से हैं, इन सभी बातों पे मैं आपसे शेयर करूँगा. क्लास इंसेक्टा में ग्रुप है टेरिकोटा, इसको मेटाबोला के नाम से भी जाना जाता है, और टेरिकोटा में एंडोटेरिकोटा. एंडोटेरिकोटा में 9 ऑर्डर्स हैं, इसमें फिफ्थ ऑर्डर है, दैट इज डाइप्टेरा. डाइप्टेरा में नाम से स्पष्ट है, डाई मीन्स टू, टेरा मीन्स विंग. अब इन इंसेक्ट में वैसे तो इंसेक्ट में 2 जोड़ी पंख होते हैं, लेकिन डिप्टेरा में मेजोथोरेक्स के जो पंख हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं और मेटाथोरेक्स के जो पंख हैं वेस्टिजियल हो जाते हैं, फिलामेंट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो बैलेंसिंग ऑर्गेन के रूप में कार्य करते हैं. इसलिए फंक्शनल विंग है इसमें 2 ही होते हैं, इसलिए इसको डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर रखा गया है. इसके जो मेन करेक्टर्स है, बॉडी माइन्यूट टू लार्ज, लार्वी लेगलेस होती है, प्यूपी ऑप्टेक्ट अथवा कॉर्कटेट प्रकार की होती है, माउथ पार्ट अडल्ट में वेरियस मॉडिफिकेशंस होते हैं सकिंग टाइप के, लार्वी में जो मुखांग है वो मैंडिबुलेट प्रकार के होते हैं, आईज एंड ऑसिलाई कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है, 3 डॉर्सल आई लगभग सभी सदस्यों में पाई जाती है, एंटीना वेरिएबल प्रकार की होती है, विंग्स 1 जोड़ी होते हैं जो मेम्ब्रेनस प्रकार के होते हैं, मेटाथोरस के जो पंख हैं हाइल्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए सेकेंडरीली इनको एप्टेरस के रूप में माना गया है. प्राइमरीली तो ये विंग्ड इंसेक्ट है, लेकिन सेकेंडरीली ये विंगलेस इंसेक्ट है. टांगे 5 सेगमेंटेड तारसायुक्त होती है, एबडोमन में सरसाई प्रेजेंट अथवा एबसेंट होती है. डिप्टेरा के अंदर 2 सब ऑर्डर्स हैं, निमेटोसोरा और ब्रैकाइसोरा. निमेटोसोरा के अंदर ये 8 फैमिलीज हैं, साइकोडीडी, क्यूलिसीडी, सिमुलीडी, कायरोनोमीडी, विवियनीडी, सिसिडोमाइडी, माइसिटोफिलीडी और ट्यूपुलीडी. सब ऑर्डर ब्रैकाइसोरा में जो मेन फैमिलीज है उसमें टेबेनीडी, एसिलीडी, मोबाइलीडी, सिर्फीडी, एग्रोमाइजीडी, ड्रोसोफिलीडी, गैस्टीरोफिलीडी, मस्सीडी, कैलिफोरिडी, टेकिनीडी और हिपोबॉस्किडी. सबऑर्डर फर्स्ट निमेटोसेरा. निमेटोसेरा में मेन कॉमेंट्स में एंटीना लॉन्ग हैविंग मोर देन 5 सेगमेंट्स, अरिस्ट एब्सेंट होती है, पेल्पाई 4 तो अपार सेगमेंटेड होती है, ल्यूरल सूचर ऑफ मिजोडर्म स्ट्रेट होती है, डिस्टल सेल जनरली एब्सेंट होती है, क्यूबिटल सेल वाइडली ओपन, फ्रंटल सूचर एब्सेंट. फर्स्ट फैमिली साइकोडीडी. ये इंसेक्ट माइन्यूट फ्रेजाइल प्रकार के होते हैं, डार्क और मॉइस्ट प्लेसेस में पाए जाते हैं, बॉडी एंड विंग सूक्ष्म रोंग से ढकी रहती है, स्केल से ढकी रहती है, ओसिलाई एब्सेंट होती है, एंटीना 12 अथवा 16 सेगमेंटेड होती है, पंखों में RS4 ब्रांच्ड होती है, लार्वी एक्वेटिक तथा एपिन्यूस्टिक प्रकार के होते हैं. इसके जो मुख्य एग्जांपल है इसमें मोथफ्लाई और सेंटफ्लाई. ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये मोथफ्लाई है, ये सेंटफ्लाई है, और मोथफ्लाई के पंखों में आप देख रहे हो माइन्यूट हेयर लाइक इसके अंदर स्ट्रक्चर है, वो घिरी है सर. नेक्स्ट क्लास क्यूलिसीडी. बॉडी स्लेंडर लाइक, इलोंगेटेड पर्सिंग प्रोबोशिस, ओसिलाई एब्सेंट, एंटीना 14 अथवा 15 सेगमेंटेड होती है, पेडिशर लार्ज होता है, एंटीना नर में प्लूमोस प्रकार की होती है, फीमेल में पाइलोस प्रकार की होती है, हाइंड लेग रेज्ड वाइल सीटिंग, रेस्टिंग पोजिशन में पश्च टांगे हैं वो उठी होती है, लार्वी मेटान्यूस्टिक प्रकार की होती है, एग्जाम्पल मॉस्किटोज.
इस फिगर में आप देख रहे हो, इसकी हाइंड लेग है वो ऊपर की तरफ अपलिफ्टेड है, तो इसमें क्यूलेक्स है, एनोफ्लीज है, जितने भी इंसेक्ट हैं वो इसके अंदर, मच्छर जो है, मॉस्किटोज वो इसके अंदर, इस क्लास फैमिली के अंदर शामिल है। नेक्स्ट फैमिली सिमुलीडी, इसमें मेन कैरेक्टर्स में बॉडी स्मॉल स्टाउट विथ शॉर्ट लेग्स, टांगे छोटी होती है, मैंडिबल एलोंगेट होते हैं, एंटीना 11 सेगमेंटेड होती है, ऑसिलाई एबसेंट होती है, मेल्स आर हॉल ऑप्टिक टाइप, विंग्स चौड़े होते हैं, जेनेटलिया कंसील्ड, कंसील कर लो छिपे हुए, लार्वी एक्वेटिक प्रकार की होती है, स्फेरिकल नो जोड़ी होते हैं, फीड ऑन ब्लड ऑफ मैमल्स, मैमल्स के ब्लड पे जनरली फीड करते हैं। इसके मेन एग्जाम्पल है ब्लैक फ्लाई और डिमडम फ्लाई। ये जो फिगर है ये ब्लैक फ्लाई का है, ये डिमडम फ्लाई का है। नेक्स्ट फैमिली काइरोनोमिडी, ये डेलिकेट और नेट लाइक होते हैं, एटिना फीमेल में पाइलोस प्रकार की और नर में प्लूमोस प्रकार की, हेड कंसील्ड बाय थोरेक्स, हेड थोरेक्स के द्वारा ढका रहता है, ओसिलाई एब्सेंट होती है, माउथ पार्ट्स पुअरली डेवलप्ड होते हैं, प्रोबोशिस छोटा होता है, अग्र टांगे लंबी होती है, लार्वा के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसका मेन एग्जाम्पल है काइरोनोमस। तो एमएससी के अंदर जो जांट क्रोमोसोम है, बिग साइज के क्रोमोसोम है, उनकी स्लाइड बनाने में काइनोनोस लार्वी का जनरली यूज किया जाता है। नेक्स्ट फैमिली इज बीबियोनिडी, इन इंसेक्ट्स में एंटीना में 6 अथवा ज्यादा सेगमेंट्स पाए जाते हैं, ऑसिलाई प्रेजेंट होती है, नो वी शेप सूचर, वी शेप सूचर नहीं होता है, येलो ब्राउनिश स्पॉट ऑन विंग्स, पंखों पे पीले और भूरे रंग के स्पॉट्स पाए जाते हैं, अडल्ट डू नॉट जनरली ईट, अडल्ट है वो जनरली फीडिंग नहीं करते हैं, शॉर्ट लाइफ, लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है, स्पेंड मोर टाइम इन कॉपुलेशन, ज़्यादा समय ये कॉपुलेशन में व्यतीत करते हैं, और लार्वी जो है वो सीरियस पेस्ट होती है। इसके मेन एग्जाम्पल है मार्स फ्लाई और लव बग। इन फिगर्स में आप देख रहे हो, ये मार्स फ्लाई का है, ये लव बग है। लव बग नाम इसलिए दिया क्योंकि ये इंसेक्ट ज़्यादातर समय कॉपुलेशन में ही व्यतीत करता है, इसलिए कॉमनली इनको लव बग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फैमिली इज सीसीडियोमाइडी, ये इंसेक्ट छोटे आकार के होते हैं, एंटीना मॉलिनी फॉर्म होती है, विंग्स विथ फ्यू लॉन्गिट्यूडनल वेन, पंखों में बहुत कम अंधरीय सिराएं पाई जाती है, नो क्रॉस वेन, क्रॉस सिराएं एब्सेंट होती है, कॉक्सी नॉट इलोंगेटेड, कॉक्सी इलोंगेटेड नहीं होती है, टीबिया डिवॉइड ऑफ स्पर, टीबिया में स्पर अनुपस्थित होते हैं, लार्वी पेरिन्यूस्टिक प्रकार के होते हैं, ब्रेस्ट बोन ऑन वेंट्रल साइड ऑफ थोरेक्स, थोरस के वेंट्रल सरफेस पे ब्रेस्ट बोन, जिसे स्पेटुला भी कहते हैं, पाई जाती है, एग्जाम्पल गॉल मिजेश। नेक्स्ट फैमिली इज माइसिटोफिलिडी, ये इंसेक्ट छोटे होते हैं, डैम्प हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, अडल्ट में हम्प्ड थोरेक्स पाया जाता है, कॉक्सी वेल डेवलप्ड होती है, लार्वी फंजाई के ऊपर फीडिंग करती है, ऑल्सो फीड ऑन मॉसेज एंड लीवर वर्ट्स, ये जो एपीफाइट्स है, अधिपादप है, इन पर भी फीडिंग करते हैं, शो बायोल्यूमिनेसेंस, जैव संदीप्ति की घटना इनमें पाई जाती है। बायोल्यूमिनेसेंस में क्या होता है कि इन इंसेक्ट में केमिकल होता है ल्यूसीफेरिन, और ल्यूसीफेरिन का जब ल्यूसीफेरेज एंजाइम से ऑक्सीडेशन होता है तो उसके अंदर जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट न होकर प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है, और यह घटना जैव संदीप्ति या बायोल्यूमिनेसेंस के नाम से जानी जाती है। एग्जाम्पल है इसमें फंगस नेट। नेक्स्ट फैमिली टीपुलीडी, साइज 2 से 100 mm तक होती है, वी शेप सूचर ऑन थोरेक्स, माउथ पार्ट नॉन पर्सिंग टाइप के होते हैं, लेग्स वेरी लॉन्ग, एब्डोमन सिलेंडर टाइप होता है, हल्टर्स क्लियरली विजिबल, लार्वी विथ डिस्टिंक्ट हेड कैप्सूल, एब्डोमन हैव लॉन्ग फ्लैसी प्रोजेक्शंस, मेन एग्जाम्पल क्रेन फ्लाई, डेडी लॉन्ग लैम्प, ये फिगर है डेडी लॉन्ग लैम्प का है, इससे आप देख रहे हो टांगे कितनी लंबी है इसके अंदर। सेकेंड सब ऑर्डर ब्रेकाइसेरा, ब्रेकाइसेरा में एंटीना रिड्यूस्ड होती है, मैक्सिलरी पल्प हैव 2 segments और फ्यूअर, एपीएंड्रियम और हाइपोएंड्रियम सेपरेट होते हैं, नो प्रीमैंडिबल प्रेजेंट, क्यूबिटस A2 और A1 सिरा सेपरेट होती है। इसमें फर्स्ट फैमिली है टैबेनिडी, ये इंसेक्ट मीडियम साइज के होते हैं,
आंखें बड़ी होती है, ऑसिलाई एब्सेंट होती है, प्रोबोसिस प्रोजेक्ट रहता है, ब्लड सकर्स होते हैं, एरोलियम लार्ज और पैडल सेप होते हैं, विल ट्रांसमिट सूरा डिजीज इन कैटल्स, कैटल्स में सूरा बीमारी जो होती है उसका ये ट्रांसमिशन करते हैं, मेल लाइव ऑन हनी ट्यू एंड प्लांट सेप, नर जो होते हैं वो हनी ट्यू और प्लांट सेप के ऊपर फीडिंग करते हैं, एग्जाम्पल टेबेनश। नेक्स्ट फैमिली एसिलिडी, ये इंसेक्ट इलोंगेटेड होते हैं, प्रोबोसिस पर्सिंग टाइप का होता है, एंटीना में अरिस्टा पाई जाती है, पेल्पाई स्पिल्यूटेनी होती है, आर1 वेन लंबी होती है, M1 टर्मिनेट इनटू विंग अपेक्स, लार्वी लिव इन लीव फॉल्ट एंड सॉइल्स, लार्वी जो होती है वो पत्तियों के फॉल्ट के अंदर उनके अंदर विश्राम करती है, प्रीडेटर ऑन कैटरपिलर्स, कैटरपिलर के ऊपर ये भक्षक प्रकृति के होते हैं, एग्जाम्पल रोवर फ्लाई, रोवर फ्लाई नाम से स्पष्ट है, रोबरी जैसे डकेती जैसे होती है, तो ये इंसेक्ट छोटे लार्वी है, कैटरपिलर्स है, उनको ये अपना शिकार बनाते हैं। नेक्स्ट फैमिली बॉम्बाइलिडी, इन इंसेक्ट में भी रोबस्ट बॉडी होती है, प्रोबोसिस प्रोजेक्टिंग होता है, थर्ड एंटीनल सेगमेंट नॉर्मल होता है, स्टाइल स्मॉल नॉट मोर देन 2 सेगमेंटेड, लेग्स स्लेंडर लाइक, विंग्स रिमेन हाफ स्प्रेड एट रेस्ट, रेस्टिंग कंडीशन में पंख जो है वो हाफ खुला होता है हाफ बंद होता है, M3 सेल एब्सेंट, लार्वी पैरासिटिक ऑन बी, लार्वी है वो अन्य मक्खियों के ऊपर पैरासाइट के रूप में होती है, अडल्ट फीड ऑन नेक्टर्स, अडल्ट फ्लावर के नेक्टर्स में फीडिंग करती है, एग्जाम्पल बी फ्लाई, ये फिगर आप देख रहे हो ये बी फ्लाई का फिगर है। नेक्स्ट ऑर्डर, नेक्स्ट फैमिली सिल्फीडी, ये इंसेक्ट मॉडरेट टू लार्ज साइज के होते हैं, ब्रिलियंट कलर मार्किंग होती है, अरिस्टा डॉर्सल होता है, R5 सेल क्लोज होती है, फीड ऑन पोलन एंड नेक्टर, पोलन और नेक्टर पे फीड करती है, लार्वी प्रेजेंट इन रॉटन वेजिटेबल्स, सेफ्रोफेगस एंड प्रीडेटर नेचर, एग्जाम्पल हॉवर फ्लाई और ड्रोन फ्लाई, ये हॉवर फ्लाई है, ये ड्रोन फ्लाई का फिगर है। नेक्स्ट फैमिली एग्रोमाइसिडी, ये छोटे इंसेक्ट होते हैं, एंटीना छोटी होती है, एनल सेल प्रेजेंट होती है, वाइब्रेशन प्रेजेंट होती है, फीमेल विथ ओवी स्कैप्ट, सबकोस्टा प्लस आर फेस्ट रन्स आउट, एग्जाम्पल लीफ माइनर्स, इस देख रहे हो पत्तियों के ऊपर ये धारियाँ सी बनी है, ये इंसेक्ट के द्वारा खाई हुई है और इंसेक्ट जो जो फीडिंग करता है पत्तियों के ऊपर ये वाइट धारियाँ जो होती है वो बनती जाती है। नेक्स्ट फैमिली ड्रोसोफिलिडी, स्मॉल विथ लार्ज लाइट आइज, वाइब्रेशन प्रेजेंट, अरिस्टा डॉर्सल एंड पेक्टिनेट, कोस्टा ब्रोकन एट द एंड ऑफ आर फर्स्ट, सबकोस्टा प्रेजेंट बट रिड्यूस्ड, क्यूबिटर सेकेंड एंड फर्स्ट एनल प्रेजेंट, थर्ड एंटीनल जॉइंट राउंडेड होता है, एग्जाम्पल ड्रोसोफिला, और ड्रोसोफिला को भी जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंटल मेटेरियल्स के रूप में काम में लिया जाता है। गैस्ट्रोफिलिडी, बॉडी हेयरी रेदर देन ब्रिस्टली, माउथ पार्ट रिड्यूस्ड होते हैं, क्रॉस वेन आर एम नियर द बेस ऑफ विंग, M1 एंड M2 स्टेट होती है, लार्वल स्टेज पास्ट इन गट ऑफ मैमल्स, एग्जाम्पल बोट फ्लाई। नेक्स्ट फैमिली मस्सीडी, स्मॉल टू लार्ज फ्लाइज, क्यूबिटस फर्स्ट एंड फर्स्ट एनल नॉट रीचिंग द अपेक्स ऑफ द विंग, प्रोस्टर्नम स्क्लेरोटाइज्ड होता है, लोअर कैलिप्टर नियरली ऑलवेज लॉन्गर देन द अपर वन, हाउस फ्लाई और सेटसी फ्लाई इसके मेन एग्जाम्पल है, ये हाउस फ्लाई है, ये सेटसी फ्लाई है जो कैरियर का काम करती है, वेक्टर का काम करती है। नेक्स्ट फैमिली इज कैलिफोरिडी, ये इंसेक्ट भी लार्ज साइज के होते हैं, लार्वी फ्लैश फीडर्स होती है, टेरोप्लूरल और हाइपोप्लूरल बेसल्स प्रेजेंट होती है, पोस्ट स्क्रूटेलम वेल डेवलप्ड होता है, सेकेंड एब्डोमिनल स्टर्नाइट ओवरलैप्ड होती है, एग्जाम्पल ब्लो फ्लाई एंड ब्लू बॉटल फ्लाई, ये ब्लू बॉटल फ्लाई सड़े जो फल होते हैं मैंगोज हैं उनके ऊपर ये जनरल देखने को मिलती है, इनको ईरानी मक्खी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। नेक्स्ट फैमिली इज टेकनीडी, पैरासिटिक ऑन कैटरपिलर, टेरोप्लूरल एंड हाइपोप्लूरल ब्रिसल्स प्रेजेंट, पोस्ट स्क्रूटेलम लिटिल डेवलप्ड, सेकेंड एब्डोमिनल स्टर्नाइट विथ साइड विजिबल, एग्जाम्पल टेकिनिट फ्लाई। नेक्स्ट फैमिली हिपोबॉस्किडी, पैरासिटिक ऑन डॉग्स एंड कैटल्स,
डॉग और कैटल्स पे परजीवी होते हैं। बॉडी फ्लैटेंड एंड लेदरी, शरीर चपटा होता है, लेदर टेक्सचर का होता है। हेड संकन इन टू एंटीरियर पार्ट ऑफ थोरेक्स, हेड है वो थोरेक्स के अगर भाग में धंसा हुआ रहता है। लेग शॉर्ट होते हैं, स्टाउट होते हैं, विंग्स प्रेजेंट और एबसेंट, एग्जाम्पल लाउस फ्लाई। इस तरह ये बहुत ही डिप में ऑर्डर डिप्टेरा का क्लासिफिकेशन। और आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप निसंकोच इनबॉक्स के द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू फॉर क्वाइट लिसनिंग ऑफ दिस लेक्चर। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।